लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। 1 जून को इस राष्ट्रपति भवन का इफ्तिताह अमल में आया और उसी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और आप लोगों की मौजूदगी में एक मिशन हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, वन बूथ 11 यू। इस तरीके का जो मिशन हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, मालेगांव शहर में 341 पेटियां हैं, बूथ है, और कम से कम 11 नौजवान और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इससे जुड़े हैं। इसके लिए मिशन शुरू किया गया, ज़मीनी लेवल पर नौजवानों को साथ में लेकर मसाइल किस तरीके से हल किए जाएंगे, इसके लिए मिशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि आज तक 75 बूथ हम लोगों के मुकम्मल हो गए और एक एवरेज हमारे पास जो आया है, हर बूथ पर तकरीबन 20 नौजवान का ग्रुप हम लोगों ने बनाया। इस तरीके से 75 ग्रुप हमारे तैयार हो चुके हैं और उन लोगों को हम पार्टी की तरफ से डिजिटल कार्ड बनाकर देने वाले हैं, जो भी आप लोगों के सामने इसका जिक्र किया गया। और उसमें मुकम्मल तौर पर जो नौजवान को हम इसका मेंबर बनाएंगे बूथ लेवल का, उसको हम लोग जो डिजिटल कार्ड देने वाले हैं उसमें उसका मुकम्मल नाम होगा, मुकम्मल पता होगा उस शख्स का, उस नौजवान का मोबाइल नंबर होगा, उसकी उम्र होगी, उसका मोबाइल नंबर होगा और पार्टी का, राष्ट्रवादी भवन का पार्टी की तरफ से उस कार्ड के ऊपर हेल्पलाइन नंबर होगा। इस तरीके का डिजिटल कार्ड, उस नौजवान का फोटो होगा, शरद पवार साहब का फोटो होगा, मेरा फोटो होगा, पार्टी का सिंबल उस कार्ड के ऊपर होगा और मुकम्मल मेरा ओजा रहेगा, मेरी सिग्नेचर उस कार्ड पर होगी। और हम फार्म भर कर ले रहे हैं, हम लोग फार्म भर कर ले रहे हैं ग्रुप वाइज, उनकी सिग्नेचर ले रहे हैं और उन लोगों से मुकम्मल इस बात की हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि कोई नौजवान इसके अंदर ऐसा शामिल ना हो जिसके ऊपर कुछ अलग किस्म के केसेस हो, खतरनाक केसेस हो। हमारी इसकी कोशिश है और हम लोगों ने कार्ड के ऊपर भी जो बंदा सामाजिक काम करता है, समाज के अंदर काम करता है, उसकी बेहतरीन, उसका सोशल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इस तरीके का हम लोग उस कार्ड के ऊपर एक शरायत लिखकर भी हमारी तरफ से दे रहे हैं, यानी आगे कोई ऐसी तकलीफ ना हो, पार्टी को भी नुकसान ना हो और पार्टी का बैनर पर भी कोई नुकसान बैनर का भी ना हो। इस तरीके की पूरी हम लोग तफसील लेकर, और हम इस बात के बोलने का मतलब बिल्कुल साफ तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि पार्टी पे कोई दाग ना लगे। इस तरीके का डिजिटल कार्ड हम लोग बना के दे रहे हैं और मैं आप लोगों के चैनल के जरिए शहर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, 341 बूथ पेटियाँ जो हमारी है उस वहाँ के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मिशन के अंदर शरीक हो। पार्टी की तरफ से इस कार्ड जो दिया जा रहा है उसकी बहुत सहूलतें हैं, यहाँ से जो सामाजिक काम किए जाएंगे, सोशल काम किए जाएंगे, मेडिकल लाइन से काम किए जाएंगे, एजुकेशन लाइन से काम किए जाएंगे, गरीबों के, मजदूरों के, बुनकरों के काम किए जाएंगे। और इस कार्ड के जरिए हम पूरी तफसील, पूरा इख्तियार उस नौजवान को देंगे कि वो हमारे पास काम ला सकता है और हम लोग उसका काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी और कार्ड बना के देने का, इसके अलावा ये तो मिशन का कार्ड का इजरा किया गया है, लेकिन हम लोग जो 40 साल की उम्र के ज्यादा है, चाहे वो 90 साल की उम्र तक बुजुर्ग हो, उन लोगों के लिए सिर्फ 2 फोटो और आधार कार्ड की जेरोक्स मंगवाई जा रही है, उन लोगों को भी डिजिटल कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अभी हमारी महिला विंग, लेडीज की विंग, सदर और उनकी बॉडी हम बनाने का काम जारी है, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो जब मुकम्मल बॉडी बन जाएगी तो इस तरीके से लेडीज को भी हम लोग इस तरीके का कार्ड बनाकर दिए जाएंगे।
और ये तमाम ही काम पार्टी की जानिब से किए जाएंगे, किसी से एक रुपया फीस हम लोग नहीं ले रहे, मुफ्त में बनाकर दिए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के जरिए ये अपील करता हूँ कि शहर के नौजवान, शहर के बुजुर्ग, माँ बहने इस ऑफिस के ऊपर आकर आपको जो भी मसला होगा, काम होगा, मसाइल होगी, वो लेकर यहाँ पर आए, इंशाल्लाह हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो नौजवान आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन किस तरह से क्रिमिनल है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स? नहीं, हम लोग जो ग्रुप लीडर होता है उस बूथ का, उस पेटी के ऊपर जो ग्रुप लीडर हम लोग बना रहे हैं, उसको पूरा इख्तियार दिया गया है कि वो उन लोगों का तफसील मालूम दे ले, वेरिफिकेशन उन नौजवानों का कर ले, वही नौजवानों को हमारे तक लाए। हम लोगों ने पहले ही कार्ड पर लिख दिया है कि ये कार्ड किस उद्देश्य से, किस मकसद से दिए जा रहे हैं, वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है।